सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे एंड अपने लाइफ के सारे गोल्स को अचीव कर रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप कैसे एज ए स्टूडेंट अर्न कर सकते हैं, या फिर आप कैसे एज ए स्टूडेंट अपने स्टडीज़ एंड अपने कैरियर गोल्स या फिर डिजायर टू अर्न मनी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर मैंने कैसे पर्सनली खुद के स्टडीज़ के साथ यूट्यूब को मैनेज किया एंड अप्रॉक्स 3,10,000 रुपीज़ अर्न किया। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये वीडियो को पूरे एंड तक देखें। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँ, मैं आपको अपना अर्निंग प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। ये रहा मेरा यूट्यूब का एनालिटिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यूट्यूब से अप्रॉक्स 2.90 लाख एर्न किया है, डेट मीन्स 2,90,000 रुपीज़ फ्रॉम यूट्यूब। वैसे मैं बता दूँ, ये सारे नेपाली करेंसी में है, आप ये अपने करेंसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अमेजोन एफिलिएट से अराउंड 30,000 नेपाली अर्न किया है, नेपाली करेंसी में 30,000 अर्न किया है थ्रू अमेजोन एफिलिएट। एंड मैं अपने अमेजोन एफिलिएट्स के लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही डालता था। चलिए हम लोग जानते हैं कि आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपके पास भी अपने स्कूल से या फिर कोचिंग की तरफ से बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, बट हमें ये समझना होगा कि आवर लाइफ नीड्स अ बैलेंस। ऐसा ना हो कि दिन के 24 घंटे में हम लोग 22 घंटा पढ़ाई करें, बाकी अपने आमने सामने वाले जितने भी नॉन एकेडमिक्स गोल हैं उसको इग्नोर करें। दैट्स अ कम्प्लीट वेस्ट। हम लोग को ये जानना होगा कि एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट। एकेडमिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन प्लेस एंड नॉन एकेडमिक्स गोल्स आर इम्पॉर्टेंट एज वेल। एंड इन फैक्ट जब भी मैं किसी को कहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो वो इंसान खुद से ही मेरे बारे में ये एजम्पशन कर लेता है कि ये ज़रूर दिन भर मोबाइल लैपटॉप में लगा रहता होगा। सो फार इट्स कम्प्लीटली ट्रू। मैं लगा रहता हूँ मोबाइल लैपटॉप पे, लेकिन अगर मैं दिन में चार घंटा अगर मोबाइल लैपटॉप पे लगा रहता हूँ, तो मैं 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी करता हूँ। सो गाइज, आपको भी ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गाइज बस बैलेंस की बात नहीं होती कि बैलेंस मेंटेन कर ले, ठीक है, हम लोग 8 घंटा पढ़ भी रहे हैं और 2 आवर्स यूट्यूब को भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डेली देना पड़ेगा। जैसे आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मैं मंथ में अप्रॉक्स 1 या 2 वीडियोस डालता हूँ, या तो कभी कभी कोई मंथ में वीडियोस भी नहीं डालता हूँ। हाँ, ऐसे रेयर ओकेजन्स होते हैं जब मैं 3-4 वीडियोस डाल देता हूँ, बट एवरेज में मैं मंथ में 1 या 2 वीडियोस ही डालता हूँ। दिस इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप एक मंथ का अगर 4-5 आवर दे रहे हैं, देन दैट्स नॉट अ वेस्ट। आप भी ये स्टार्ट कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। गाइज, एक और चीज़ क्या होता है कि बस बैलेंस ही सब कुछ नहीं होता है, हमें कंसिस्टेंट भी रहना पड़ता है। जैसे ऐसा आपने अपना चैनल खोला, 1 हफ्ता हुआ 2 हफ्ता हुआ 2 महीना हुआ, उसके बाद आपको दिखेंगे कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इनकम नहीं हो रहा है, या फिर बस वही लोग देख रहे हैं जिनको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको गिव अप नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई, जब आप 1 महीना में 2-3 वीडियोज ही बस डाल रहे हो, बस अपना चलो मान लेता हूँ कि जिस दिन वीडियो डालते हो उस दिन पूरा डे वेस्ट कर देते हो, तो 3 दिन 1 महीना में 3 दिन इज़ नॉट अ बिग रेशियो। आप ऐसा कर सकते हैं। ये तो हो गई मोटिवेशन की बातें। हो सकता है कि आपको इस वीडियो ख़त्म होने के बाद ये सब आपको कोई मायने ना रखे, बट दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट बात। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप कैसे ले सकते हैं। एज ए स्टूडेंट मैं आपको क्या बोलूँगा कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो आप एक चैनल खोलो, उस पर आप पढ़ाओ। आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन मना कर रहा है? आप उस पर पढ़ाओ, आपको उससे भी अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो स्पोर्ट्स की वीडियोस डालो, आप अगर आप कुकिंग में अच्छे हो तो कुकिंग की वीडियोस डालें। आपको ऐसे साइड रेवेन्यू भी मिल जाएगा, आपको कर रहे हैं पैसन को साथ में आपको रेवेन्यू भी मिलेगा स्टडीज़ के साथ। आप पैसन को फॉलो कर रहे हो तो उसको यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे एक्सप्लोर करो, यूट्यूब को एक्सप्लोर करना सीखो गाइज। आप बोलेंगे मुझे कि ठीक है आलोक, मैंने तुम्हारा बात मान लिया, मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट कर लिया, बट अब व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ? मैंने अपना टाइम भी दिया, मैंने हार्डवर्क भी किया, मैंने अच्छे से अच्छे वीडियो भी बनाया, बट व्यूज़ ही नहीं आ रहे। मैं पर्सनली ये चैनल को फॉलो करता हूँ फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए।
तो आप भी ये चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली इस टॉपिक्स पे वीडियोस डालूं, सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर डालें, मैं ज़रूर आपको बात मानूंगा और ऐसे वीडियोस डालूं। एंड गाइस मैं ये भी कहना चाहता हूँ एज अ डिस्क्लेमर कि अगर आपको लगता है कि आप अपने नॉन एकेडमिक्स एकेडमिक्स में बहुत पीछे हैं या फिर आप नहीं कर पाएंगे तो प्लीज़ गाइस ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है कि हाँ आप अपने एकेडमिक्स को एंड नॉन एकेडमिक्स गोल्स को साथ में मैनेज कर सकते हैं तभी आप ऐसा करें। एंड गाइस बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक बात किया हुआ है, बट इसमें भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। एक ये सब जो भी मैंने किया, यूट्यूब चैनल खोला, अमेजोन एफिलिएट बनाया या फिर जो कुछ भी किया, वो सब मैंने अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ किया। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं भी शायद मैं ये नहीं कर पाता। जब मैंने शुरू में यूट्यूब वीडियोज़ बनाता था तभी से उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं था मेरे वीडियोज़ बनाने से, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। एंड उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं वीडियोज़ मत बनाओ, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। दे न्यू कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने एकेडमिक्स को एंड यूट्यूब को साथ में लेकर चल सकता हूँ। सो थैंक यू टू देम एंड इवन इनफैक्ट माई अंकल। जब मैंने शुरू में अपना चैनल स्टार्ट किया था कुछ खास व्यूज़ नहीं आते थे, तो मैंने उनको ही बताया था कि यहाँ मैंने चैनल खोला है, वीडियोस डालता हूँ। सो वो क्या करते थे, वो जो मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते थे तो वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करते थे, मेरा वीडियोस का लिंक शेयर करते थे। एंड एक बार क्या हुआ था, जैसे मेरा उस टाइम वाईफाई काफ़ी ज़्यादा स्लो था, तो उस टाइम मैं यूटोरेंट से कुछ पायरेटेड गेम्स वगैरह डाउनलोड कर रहा था। सो उस टाइम मेरे अंकल ने मेरे को बोला था कि तुम ये जो मतलब उस टाइम मैंने क्या किया था एक्चुअली में कि आपने एक YouTube पे एक वीडियो देखा था उसमें कि यूटोरेंट की स्पीड को कैसे बढ़ाएं, और मैंने वो खुद पे अप्लाई किया एंड मेरे पे वो वर्क किया। तो मेरे अंकल ने मेरे को ये सजेशन दिया कि मैं भी इस पर एक वीडियो बनाऊं, एंड मैंने इस टॉपिक पे दो वीडियोस बनाए एंड वो दो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए उस पर, और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। सो गाइस मैं यही एट द एंड ऑफ द वीडियो यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा एंड आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को एंड कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।